रखे हैं, आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। सर एक बार बोर्ड दे, देखो पेट को लेके काफी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को रहती है। जनरली सबसे पहला सिम्टम्स हम देख रहे हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, ब्लोटिंग, अनकंफर्टेबल फीलिंग फॉर फुलनेस आफ्टर ईटिंग, डायरिया, इंटरवेंशनल वेट लॉस एंड मालन्यूट्रिशन। ये सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड है और इसमें सबसे मोटी प्रॉब्लम रहती है आईबीएस और आईबीडी। आईबीएस ऐसी प्रॉब्लम है जिससे काफी लोग सफर कर रहे हैं, काफी सारे लोग। जैसा कि अभी रितु मैम उन्होंने सेशन लिया था, वो हमारे को सिस्टम्स बता रहे थे। तो डाइजेशन सिस्टम इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो स्टार्टिंग विद डाइजेशन सिस्टम, तो मैं शुरुआत करूंगा। ये हमारा डाइजेशन सिस्टम है, ओपनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, उसके बाद ये स्टोमक होता है, ये हमारा लीवर होता है, इसमें ये गॉलब्लैडर होता है और यहां से एक पैनक्रियाज जो ऐड होता है। तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम में जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे माउथ के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है। उससे पहले वो स्टोमच में आता है, स्टोमच के बाद में लीवर में काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो हमारे खाने में तीन मेन सोर्स होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। ये तीनों के अलावा हम और ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स देखते हैं, कुछ मेडिसिंस होती हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ से डाइजेस्ट होके खाना इनडाइजेस्टिव फूड, अपन ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मतलब सेमी डाइजेस्ट फूड हमारी इंटेस्टाइन में आता है। रिमेनिंग वर्क हमारी इंटेस्टाइन करती है। इंटेस्टाइन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग कुछ भी खाओ वो सारा यही एब्जॉर्ब होता है। यहाँ के बाद में जितना भी जो फूड है, अब इंटेस्टाइनल हेल्थ यदि हमारी सही नहीं है, आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, आप कई बार शिकायत करते हो कि बच्चों को खिलाते तो खूब अच्छा है लेकिन वो फिर भी ग्रो नहीं कर रहे, हेल्थ नहीं बढ़ रही। एक्चुअली प्रॉब्लम आपके डाइजेशन सिस्टम में है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सेकंड थिंग डाइजेस्ट हो गया तो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब अपने जो डाइजेशन वाला एरिया है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करती है, लार्ज इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब करती है, जो भी हम खा रहे हैं उसको। अब जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी इन इंटेस्टाइन्स में होता है, और बैक्टीरिया इसलिए होता है क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर माहौल होता है जिसको हम बोलते हैं गट फ्लोरा। वो मेंटेन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी कमी से हमारे को ये सारे सिम्टम्स जो आप देख रहे हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट है, एब्डोमिनल पेन है, नोसिया, ब्लोटिंग, भूख की कमी, खाने खाने का मन करता है लेकिन जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं
फुलनेस ऑफ स्टोमक हो जाता है, अचानक ऐसा लगता है जैसे किसी ने गला पकड़ रखा हो, खाना नहीं खाया जा रहा हमारे से। दूसरा एब्डोमिनल पेन, अनडाइजेस्टिव फूड आपके यदि इंटेस्टाइन में रहेगा तो आपको वो खाना परेशान करेगा। उसका रीजन ये है कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम इंटेस्टाइन में क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस आप सभी जानते हो, जितनी भी वाइन बनती है, वाइन अल्कोहल जितना भी बनता है वो सारा फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। अब फर्मेंटेशन आप देखा होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उनमें बैक्टीरिया डाला जाता है। आप लोग घर में भी काफी सारा फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करते हो, लाइक यूजिंग इडली जब आप बनाते हो, खमन बनाते हो, तो उसमें फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन डज बाई बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन में बनता क्या क्या है, सबसे पहले उसमें बनती है CO2, सेकेंड बनता है उसमें एल्कोहल, थर्ड बनता है उसमें H2S, उसके अलावा काफी सारे जैसे कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं। तो सबसे पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस में आती है कार्बोहाइड्रेट। आपका फूड यदि अनडाइजेस्टिव है, अनडाइजेस्टिव फूड में जैसे ही फर्मेंटेशन होगा, सबसे पहले क्या बनेगी, CO2, उसकी वजह से पेट में आफरा आ जाता है, गैस बनती है लोगों को बार बार। तो वो गैस कितना इफेक्टिव करती है कि वो गैस क्या करती है, पूरे आपके पेट में एकदम फ्लावर सा भर देती है, आपको डिस्कम्फर्ट रहता है खाना खाने के बाद में। तो ये सबसे बड़ा रीजन क्या है, अनडाइजेस्टिव फूड और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ। बैड बैक्टीरिया क्या करता है, आपके सबसे पहले खाने जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसको खराब करना शुरू करता है, फर्मेंटेट करता है। सेकेंड थिंग वो बनाता है एल्कोहल। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से लोग मर गए। एक्चुअली शराब में दो चीज होती है, एक तो एथेनॉल, एक होता है मिथेनॉल। जो एथेनॉल होती है वो गुड वाइन होती है जो प्रोसेस के थ्रू, लेकिन बैक्टीरिया को थोड़ी पता होता है कि उसने क्या बनाया, गलती से उसने मेथेनॉल बना दिया, उसी को जहरीली शराब या कच्ची शराब कहते हैं। अब वो आपकी आंतों में ऑटोमेटिकली बन रही है, उसकी वजह से क्या होगा, लोग मरते क्यों है, क्योंकि वो ब्लड से इतना जल्दी अटैच होती है, इतना फास्ट अटैच होती है कि हमारे जितने भी एसेंशियल ऑर्गन है वहां तक ब्लड सप्लाई पहुंचती है और वन बाय वन स्विच ऑफ होता चला जाता है। सबसे पहले ब्रेन में अटैक होता है, ब्रेन इज द सबसे इंपॉर्टेंट रिमोट पार्ट ऑफ द बॉडी है। यदि वो वहीं से सिस्टम बंद हो गया तो बाकी सारे सिस्टम सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल कुछ ही देर में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये एल्कोहल भी बैड बैक्टीरिया द्वारा हमारी आंतों में फॉर्मेशन। थर्ड है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भी बहुत बड़ा रिएक्टिव है, ये ऑक्सीडाइज करती है आपके हर चीज को, रिड्यूस करती है आपके फैट्स को, उसकी वजह से आपको आगे चल के डायबिटीज प्रॉब्लम हो सकती है। फैट यदि रिड्यूस हो रहा है तो हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपके शुगर को वो रिड्यूस करती है तो आपको डायबिटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो रिड्यूस फैट और रिड्यूस शुगर जो आपके ब्लड में है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उस मात्रा के हिसाब से यदि रिड्यूस होती है तो आपकी बारीक कैपिलरीज जो हार्ट में होती है, किडनी में होती है, आंखों में होती है, उनमें धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रिड्यूस सब्सटेंस वो आपके जो बारीक कैपिलरीज में से निकल नहीं सकता। आपकी बड़ी वेन से तो वो बह के निकल जाता है, आर्टरी से बह जाता है, लेकिन आंखों में, किडनी में, हार्ट में इतनी बारीक कैपिलरीज होती हैं, उनमें जाके अटकता रहता है। डे बाय डे वो वहां ब्लॉकेज क्रिएट करता है, क्रिएट करते करते कब हार्ट अटैक आ जाता अपने को पता नहीं लगता। ये जनरली बेसिक में एक बार आपको समझाने के लिए बता रहा हूं प्रोडक्ट क्या है अपना। सेकेंड थिंग एसीटोन, और ये जो बनते हैं ये क्या करते हैं, इन आंतों को ही छीलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स हैं। तो ईश्वर ने हमारे को गुड बैक्टीरिया आंतों में पहले से ही दे रखा था। सॉरी बस स्लाइड है। जैसा कि आप देख रहे हैं गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, जबकि हमारी आंतों में 99% गुड बैक्टीरिया है, उसके बावजूद भी हम लोग बीमार हो रहे हैं। 1% बैक्टीरिया इतना पावरफुल है कि आपके होल डाइजेशन सिस्टम को इतना इम्पैक्ट कर देता है, इतना बीमार कर देता है कि
क्योंकि जब आप खा ही नहीं पाते तो शरीर को पोषण कैसे दे पाएंगे। अच्छा खा रहे हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो दिक्कत है। डाइजेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर ब्लड चैनल में नहीं पहुंच रहा, हर ऑर्गन हर सेल्स तक नहीं पहुंच रहा, वो भी एक सबसे बड़ा रीजन है। तो बैड बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है, अब गुड बैक्टीरिया क्या करता है। एक्चुअली गुड बैक्टीरिया होता क्या है, गुड बैक्टीरिया वो होता है जो हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज करता है। जैसे आपको जीआई फ्लोरा मेंटेन करेगा, हमारे आंतों का एक नेचर होता है, क्लाइमेट होता है, जो जब तक वो बिगड़ते नहीं आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। सर नेक्स्ट लेवल, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये क्या करता है, हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम ऑर्गेनिक ही खाते हैं सारा, उसको ब्रेक डाउन करता है, फर्मेंटेशन प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा काफी सारे आंतों को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, अब एक नेक्स्ट लेसर, ये आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड सिम्बायोटिक। एक्चुअली प्रीबायोटिक क्या होते हैं, प्रीबायोटिक हमारी आंतों के अंदर एक लिविंग बैक्टीरिया होता है जो 99% आप जो देख रहे हैं उसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं, और ये क्या करते हैं हमारे को हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। बैक्टीरिया सारे गंदे नहीं होते, दही के अंदर कर्ड के अंदर आपने देखा लैक्टोबैसिलस होता है, वो गुड बैक्टीरिया है, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर इंटेस्टाइन। तो ये क्या करते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या करते हैं, हेल्थ बेनिफिट हमारे को प्रोवाइड कराते हैं, इम्प्रूव और रिस्टोर करते हैं हमारे जीआई फ्लोरा को, उसके अलावा सेफ और कंज्यूम रहे, जो भी चीज अपन खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में सेफ रहे और उसका कंजम्पशन इतना सेफ रहे कि हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन किसी भी पार्ट को नुकसान ना हो। प्रीबायोटिक क्या होते हैं, नॉन डाइजेस्टेबल फूड होता है, नॉन डाइजेस्टेबल फूड ये अटैच होता है उस बैक्टीरिया के प्रोबायोटिक के साथ में, जो क्या करता है स्टिमुलेट करता है हमारी ग्रोथ को, क्योंकि बैक्टीरिया बनता रहता है और नष्ट भी होता रहता है, तो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को एक्टिव करता है, गुड बैक्टीरिया की एक्टिविटी को एनहांस करता है और बैड बैक्टीरिया के जो एक्शंस होते हैं उनको रोकता है, तो वो काम होता है हमारे प्रीबायोटिक का। अब सिम्बायोटिक क्या होते हैं, जब प्रो और प्री ये जो कॉम्बिनेशन यदि साथ में आता है तो हमारे प्रोबायोटिक की हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स की लाइफ हमारी आंतों के अंदर बढ़ जाती है, उसका मोड ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसका वर्क टुवर्ड द एक्शन ऑन द साइट ऑन द डाइजेशन सिस्टम इन द इंटेस्टाइन वो बढ़ा देता है, तो दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। तो हमारे प्रोबायोटिक एटमी के प्रोबायोटिक में यही कॉम्बिनेशन है। सबसे ज्यादा फर्क क्या है कि हम इसमें 3 CFU यूनिट्स दे रहे हैं जो सबसे ज्यादा है 3 लाख, क्योंकि ये CFU एक मेजरमेंट का एक तरीका है, जैसे अपन वेट को किलोज में नापते हैं, ग्राम्स में नापते हैं, ऑयल्स को लीटर्स में, तो CFU इज द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, तो वो सबसे ज्यादा हमारे प्रोबायोटिक्स में है। तो ये वर्ल्ड का एकमात्र प्रोडक्ट है जो हमारे को 14 टाइप्स के गुड बैक्टीरिया इसमें मिक्स करके हमारे को दिया गया है, ये बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा। अब ये नेक्स्ट, अब हमारे जो बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है वो काम कैसे करता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो इसमें है लैक्टोबैसिलस बिफिडोफिलस और भी कई टाइप के इसमें लैक्टोबैसिलस हमारे इसमें अप्रोक्स 14 टाइप्स के बैसिलाई हमने इसमें यूज करें। अब ये गुड आपने बैड बैक्टीरिया के तो फॉर्मेशन देख लिए कि बैड बैक्टीरिया हमारे शरीर को कैसे खराब करता है, लेकिन जो गुड बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड इंप्रूव करता है। एसिड की खुद की नेचर होती है किल टू बैक्टीरिया, तो हमारी आंखों के अंदर यदि लैक्टिक एसिड है तो बैड बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। दूसरा है बायोसर्फेक्टेंट, हम प्रॉपर फ्रेश नहीं हो पाते, कंस्टिपेशन काफी लोगों को रहती है, क्यों, क्योंकि वहां जो डाइजेस्टिव फूड है वो पड़ा रहता है, वो लोग मोशन की वजह से जा नहीं पाते, उस अनडाइजेस्टिव फूड उस रिजिड मैटर जो हमें सुबह फ्लश करना है हम किसी भी कारण से फ्लश नहीं कर पाते, तो जो इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं उन पे एज ए कोटिंग वो लग जाता है, तो वहां क्या करता है बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होती है। वो ग्रोथ क्या करती है, जो बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज करती है। बैड बैक्टीरिया क्या करता है,
उसकी वजह से अल्कोहल बनाता है, CO2 बनाता है, काफी सारे हार्मफुल केमिकल्स वो आंतों को ऐसे खुरचने लग जाती है, तो लोगों को इंटेस्टाइनल अल्सर की शुरुआत हो जाती है और आगे चल के वो कैंसर का रूप ले लेता है, क्योंकि आंतों में कुछ पता नहीं लगता क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा, तो ये बायोसर्फेक्टेंट का काम भी हमारा गुड बैक्टीरिया करता है कि जो दीवार है, जैसे ये इंटेस्टाइन है, इसकी दीवार पे यदि बैड बैक्टीरिया लगा हुआ है तो बायोसर्फेक्टेंट के रूप में वो उसको रिमूव कर देगा, साफ कर देगा। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। हमारी आंतों पे एक लेयर होती है म्यूकस की, जो कोटिंग होती है, जैसे पुट्टी आप दीवारों के करवाते हो ना, तो वैसे ही हमारी आंतों पे एक कोटिंग होती है म्यूकस की। वो अल्कोहल या जो भी बैड बैक्टीरिया के केमिकल्स हैं उनकी वजह से वो खुरच जाती है, जैसे पपड़ी बन के आपकी दीवारें जब दे देती हैं, वैसे ही सेम सिचुएशन आंतों के साथ होती है। तो वो उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो लॉस हुआ उसके केमिकल्स की वजह से, उस केमिकल को, उस म्यूकस मेम्ब्रेन से जो नुकसान हुआ उस बैक्टीरिया की वजह से, उसको वापस रिपेयर करता है हमारा गुड बैक्टीरिया। इम्यूनिटी इंप्रूव करता है हमारे ब्लड में, जैसे ही अल्कोहल का लेवल बढ़ेगा, हाइड्रोजन का लेवल बढ़ेगा, अदर केमिकल्स का लेवल बढ़ेगा, तो जो ब्लड में पहले से हमारी इम्यून सेल्स जो मौजूद है, व्हाइट सेल्स है, टी सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, जो हमारे बैक्टीरिया उनसे लड़ती है आने वाले इन्फेक्शन से, तो वो भी इफेक्ट होती है। क्योंकि अल्कोहल, आप सब लोगों ने भी कोरोना में अल्कोहल का बहुत यूज करा है सैनिटाइजर के रूप में, क्यों? क्योंकि वो वायरस को किल करता है। तो हमारे जो गुड सेल्स है ब्लड में, जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, बैड बैक्टीरिया की वजह से वो सेल्स भी ब्लड के अंदर मरना शुरू हो जाती है और उसकी जो केमिकल्स जो ब्लड में रिलीज हुआ है उसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन होना शुरू हो जाती है। सेकेंड हम देख रहे हैं हाइड्रोजन परॉक्साइड। हाइड्रोजन परॉक्साइड, जो हाइड्रोजन हमारे ब्लड में जा रही है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके, और जो बैड अपन फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स बोलते हैं ना जिनको, उन ऑक्सीजन रेडिकल्स को हाइड्रोजन के साथ मिलके ये हाइड्रोजन परॉक्साइड में बदल देता है और ये बाकायदा वहां से किडनी में जाके और टूट के अपने एंड प्रोडक्ट में चली जाती है। सेकेंड बैक्टीरियोसिन। बैक्टीरियोसिन वो केमिकल होते हैं जो बैक्टीरिया की खुद की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो गुड बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियोसिन केमिकल बना के, और जो बैड बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को डेवलप करता है, अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, उस ग्रोथ को रोक देता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हमारे को गुड बैक्टीरिया के थ्रू मिल रहे हैं। अब आते हैं अपन हेल्थ बेनिफिट्स पे। अब मैं एक एक पॉइंट को आपको फटाफट से बताऊंगा कि प्रोबायोटिक कैसे मोड ऑफ एक्शन कर रहा है हमारा। ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करता है। प्रोबायोटिक में लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स वो होते हैं जिनकी खुद की कोई बॉडी नहीं होती, पर इनका मतलब रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी होता है, केमिकल प्रोड्यूशन का कैपेसिटी होता है, आपको बीमार करने की कैपेसिटी होती है, उनको माइक्रोऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिनको अपन आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते। तो ये लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सफिशिएंट अमाउंट रिलीज करते हैं, जो मैंने अभी फंक्शंस बताए थे गुड बैक्टीरिया के, उसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ गट है, एक इंटेस्टाइन का एक बिल्कुल एक एटमॉस्फियर होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होता है, उसकी वर्क कैपेसिटी में यदि कुछ भी अनाउंस, जैसे अभी मैडम बता रही थी पीएच भी हमारा इंटेस्टाइन का एक मैनेज होता है, उससे ऊपर नीचे होने पर डाइजेशन प्रोसेस खराब होने लगता है। तो ये हमारा जो गुड बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक है, वो हेल्प करता है। सेकेंडली ट्रीट ऑफ डायरिया। डायरिया आपके हिसाब से अच्छा है या बैड है, बताएं? डायरिया होना अच्छी चीज है या बैड चीज है? बैड चीज है। लेकिन ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी इंटेस्टाइन का खुद का क्लीन होने का सिस्टम है, हम लोगों ने कुछ भी गलत सलत खाया उसकी वजह से हमारी आंतों को नुकसान ना हो, तो इंटेस्टाइन क्या करती है, उसको बड़ा फ्लो से या तो वॉमिट कराती है हमारे को, और या फिर डायरिया डालती है। लेकिन डायरिया होता क्या है, जब अंडर कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, अंडर कंट्रोल रहता है जब तक तो ठीक है, एक दो इमोशन तक तो आप भी लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन जब वो हद से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि
बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी हो चुकी होती है कि आंतें उसको कुछ भी नहीं रखना चाहती। अब उस समय आंत का जो फंक्शन है वो बिगड़ जाता है, इंटेस्टाइन का उसका एक ही काम रहता है कि कुछ भी आए उसको बाहर फेंकना है। इसलिए डायरिया होता है हमारे को, क्योंकि जो बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को या जो बहुत ज्यादा हो गए वो इंटेस्टाइन से ब्लड में नहीं पहुंच जाए, क्योंकि इंटेस्टाइन से ब्लड का सीधा कनेक्शन है। आप कुछ भी खाते हो थ्रू इंटेस्टाइन आपके ब्लड में आता है, तो वो ब्लड में इंफेक्शन नहीं पहुंचे उसको रोकने के लिए डायरिया होता है। लेकिन जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उस प्रोसेस को डायरिया कहते हैं, तो उसको भी वो कंटेन करती है। हमारा प्रोबायोटिक क्या करता है, डायरिया कैसे रोकता है? डायरिया में क्या होता है, वाटरी डायरिया होता है, भाई पानी की मात्रा बढ़ जाती है इंटेस्टाइन में, तो वो आपकी बॉडी में पानी कम कैसे होने लगती है, क्योंकि आंत को क्लीन होने के लिए पानी, तो वो आपके जितने भी आवश्यक अंग हैं उनसे पानी खींचना शुरू कर देती है, इंटेस्टाइन में इकट्ठा होना शुरू करती है, फिर मोशन बनाती है, बाहर फेंकती है। तो बाकी जो और एसेंशियल्स ऑर्गन है उनमें पानी की कमी आ जाती है, इसलिए डॉक्टर बोलता है कि डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस इन विच यू आर लैक ऑफ वाटर। तो जो पानी की कमी क्यों आती है, तो डॉक्टर यही कहता है कि पानी पिलाते रहिए, यदि ओरल सिस्टम से नहीं है तो उसको इन्फ्यूजन्स वगैरह दिए जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे जो वाटर कंटेंट होता है उनको होल्ड कर लेता है, इंटेस्टाइन में जितने भी वाटर कंटेंट है प्रोबायोटिक उनको होल्ड करके और उनको सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारा डायरिया इमिडिएट रुक जाता है। तो ये डायरिया को भी कंट्रोल करता है। सेकेंड है मेंटल हेल्थ। बैड बैक्टीरिया की वजह से अल्कोहल बना, अल्कोहल क्या पहुंचा आपके दिमाग में थ्रू द ब्लड, अब वहां पहुंचने के बाद में उसने ब्रेन को डिस्टर्ब कर दिया। ड्रिंक करने वालों को उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, वो कुछ बोलते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ, जो इंटेस्टाइनल जो अल्कोहल बन रहा है या और कोई केमिकल्स बन रहे हैं उसको भी ये रोकता है, क्योंकि बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करेगा और गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। उनका जो पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए हमारा प्रोबायोटिक उसको मेंटेन करता है। फोर्थ थिंग है हमारे हार्ट को हेल्थी। अब आप सोच रहे हो कि हार्ट कैसे बीमार हो रहा है, जो आप लोग जो भी खाते हैं उसमें से हमारी इंटेस्टाइनल शुगर अब्सॉर्ब करती है, शुगर लेवल कैसे बढ़ता है, यही तो होता है शुगर लेवल। शुगर लेवल जैसे बढ़ेगा तो शुगर लेवल को क्या होता है, हमारे जो बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये पहुंचती है, उस शुगर को ऑक्सीडाइज करती है, शुगर आपके ब्लड में फ्लोट करने लग जाती है, फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसमें फ्लोट करने लगता है और आपके हार्ट में ब्लॉकेज इंक्रीज करता है, आपके हार्ट को सप्रेस करता है, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को खराब करता है, तो हमारा प्रोबायोटिक उसको भी इम्प्रूव करता है। उसके अलावा काफी सारे एलर्जीज, एक्जिमा, एलर्जी और एक्जिमा स्किन पे क्यों होती है, क्योंकि हमारा स्किन का पीएच बिगड़ जाता है, हमारा स्किन का एक पीएच होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता, लेकिन बैड बैक्टीरिया की वजह से पीएच खराब हुआ और आपकी स्किन एलर्जीज और एक्जिमा शुरू हो जाता है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम मैंने भी डिस्क्राइब किया था, वेट लॉस को ये हमारे जो प्रोबायोटिक से हेल्प करता है वेट लॉस में, और बेली फैट में भी काफी सारे इसके स्ट्रेंथ मौजूद हैं, और ये जो आईबीडी है इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, आपके इंटेस्टाइनल में लगातार यदि ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन रहता है, आईबीएस रहता है, इंटेस्टाइनल अंदर से छिली हुई है, कट लगे हुए हैं, तो एक लंबे समय के बाद में उसमें इंफ्लामेशन क्रिएट हो जाती है, उसको आईबीडी कहते हैं। तो और दूसरा सबसे बड़ा हमारा प्रोबायोटिक जो एटमी का है उसके कुछ यूनिक फीचर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें 3 बिलियन CFU, सेकंड इसकी टेक्नोलॉजी, इसमें हमने यूज करी है लैक्टोफिलस DDS1 टेक्नोलॉजी। ये होती क्या है एक्चुअली, कि जो प्रोबायोटिक हमने फैक्ट्री में बनाया है, जो इंस्टीट्यूट में बनाया है, उसको आपके कंजम होने तक उसकी जो क्वालिटी है वो कहीं भी चेंज ना हो, उसी को लैक्टोफिलस DDS1 टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि जहां से मैन्युफैक्चर हुआ, जहां कंज्यूम हुआ, उसके बीच का जो ट्रांजिशन फेज है वो फेज कहीं भी आपकी क्वालिटी को कहीं भी डिसमैनेजमेंट ना करे, उसकी क्वालिटी में कहीं भी कोई ग्रोथ ना हो, तो इस चीज को मैनेज करने वाली जो टेक्नोलॉजी है उनकी जो पैकिंग है, उसका जो अंदर का मटेरियल है, क्योंकि ज्यादा कई बार क्या होता है उस डिब्बे से उस पाउच से रिएक्शन करने लग जाती है, जो काफी समय तक यदि चीजें पड़ी रहती है, तो इसमें एक्सपायरी
को जो स्पेशल वो मेंशन करने का रीजन ये रहता है कि जिस मटेरियल में पैक हुआ वो उससे रिएक्शन करने लग जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने इसमें ऐड करी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंजप्शन तक का जो ट्रांजिट फेज है उस फेज में कहीं भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी न सफर हो न इन्फ्लुएंस हो। थैंक यू।